हेलो गाइस, तो गाइस आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज दोबारा से खेलने जा रहे हैं हम लोग GTA 5। तो यार जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखा ऊपर आया है कौन है फ्लैश हुई रहेगी, तो जल्दी से जाके आप लोग देख लो। तो यार आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछली बार आया था गोल्फ कोर्स चिल मारने, बट चिल मारते मारते हमें इधर एक मिशन मिल गया जिसको हम पूरा करने में लग गए, लेकिन पूरा करते करते गाइस वो पूरा हुआ ही नहीं। हमने लगातार एक बार दो बार तीन बार ट्राई किया बट हम फेल हो गए, क्योंकि वो मिशन इतना हार्ड हो गया था ना मेरे लिए, मैं कर ही नहीं पा रहा था। लाइक कैसे हार्ड हो गया था, यहाँ तक तो ठीक है। अभी सामने ये लोग खड़े, मुझे इनकी गोल्फ स्टिक चुराना है इनको मार के। लेकिन गाइस हम चुराने में सक्सेसफुल तो हो गए, लेकिन चुरा के यहाँ से भागने में अनसक्सेसफुल रहे। यानी हम यहाँ से जैसे ही निकले वैसे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए, और बहुत बुरी तरह पीछे पड़े। ऐसा वैसा पीछे नहीं पड़े, और पंगा तो छूट ही नहीं रहा है। छूटने की बात छोड़ो, गाड़ी जो रहती है ना गाइस वो गोल्फ गाड़ी, उसमें मेरे को भागने जमते ही नहीं। लाइक उसकी स्पीड पिकअप सब एकदम स्लो है। सोलो की कार रहती है, हमें पकड़ ले रही है बार बार। तो इस बार मैं कुछ प्लान करके आया हूँ कि मैं इस बार कहीं गली वगैरह मैं चल दूंगा, और वो गली वगैरह मतलब इम्प्रोवाइज ही करेंगे। गली वाला अगर रास्ते में दिखती है तो हम उसमें घुस जाएंगे। तो गाइस हम इनके नज़दीक पहुँच चुके, और मैं बंदूक निकाल लेता हूँ एक बार ही अपनी, ये वाली गन निकाल लेता हूँ। यस, इसमें सप्रेसर भी लगा है बट फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी बॉडीगार्ड इसके डाउन करना चालू करते गाइस। तो गाइस हम इससे शुरू करेंगे, इसको पहले मारेंगे, फिर इसको मारेंगे, फिर इसको मारेंगे। ओके, तो ये इससे शुरू करते, चलो फिर इसके टकले पे अभी खोलना पड़ेगा। चल तू बेटा, तू भी चल। और ये कौन मार रहा है ये मेरे को? ओके अभी यार मैं पानी में गिर गया, शिट, वो तो भाग जाएगा ऐसे, उसको पकड़ने का पड़ेगा मेरे को। अरे बंदूक बंदूक, अबे रुक रुक रुक, उसको पड़ी 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 पड़ी। कलेक्ट डी गोल्फ क्लब। ओके ओके, वो गिर गया मेरे ख्याल से, उसको गोली लग गई है। तो ये गन अंदर रखता हूँ पहले, और जल्दी से एक गाड़ी लेता हूँ। ओके, तो अभी टेंशन नहीं, अभी हम लोग गोल्फ क्लब के अंदर है। आप लोग देख सकते हो ऊपर 2 स्टार्स आ गए, यानी पुलिस का पंगा हो गया है गाइस मेरा, और मुझे बस पुलिस का पंगा कैसे तैसे छुड़ाना है। तो लूज द कॉप्स, अरे तो सिंपल यार, मैं पागल हूँ। मैं सोच रहा था ये गाड़ी लेके मेरे को पूरी भागना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओ शिट मैन, ये तो अभी हो जाएगा, मतलब मैं कर लूँगा ये वाला। यार ये वाला फिर मेरे लिए इजी हो गया, अब ये गाड़ी की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को लग रहा था पूरी गाड़ी लेके भागना है, बट उसमें से मैंने गोल्फ क्लब ही मतलब उसका जो गोल्फ उठा लिया पूरा, और जो था सबसे बड़ा टेंशन गाड़ी का वही चला गया। ये निगेल को मार्क फॉस्टनबर्ग टू डोनेट वन ऑफ हिज गोल्फ क्लब्स टू योर म्यूजियम ऑफ डिसफंक्शन। ओह ब्रावो, वाच। तो गाइस मिशन यहीं पे ही खत्म हो गया, लॉल। जिस मिशन के लिए मैंने अपना इतना माथा फोड़ा, मैंने बस उसकी गोल्फ ले लिया वो गाड़ी से, और मिशन कंप्लीट। वाओ, इसको बोलते गाइस दिल से नहीं दिमाग से खेला करो, हमेशा दिमाग से चला करो। और यही हुआ आज, लाइव एग्जांपल आप लोगों को देखने मिल गया। मैं कल कितना दिल से मिशन पूरा कर रहा था, बट मिशन पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अभी बस मैंने गोल्फ क्लब कलेक्ट कर लिया और मिशन कंप्लीट। ना ही पुलिस का टेंशन, ना ही कुछ, सब सॉर्ट आउट हो गया। पुलिस का लफड़ा भी ख़त्म हो गया यार। लेट्स गो गाइस, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया यार। मेरा मतलब इतने दिन से मेरा दिन ख़राब जा रहा था, थोड़े पैसे भी मिल गए मेरे को। तो गाइस अभी ये गाड़ी को मैं यहीं छोड़ देता हूँ यार, ये बहुत एक तो स्लो चलती है, और आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बहुत मगज वाला काम हो गया, और बहुत दिन बाद मेरा अच्छा काम भी हुआ यार। तो आज तो खुश होना बनता है यार, मज़ा आ गया। अब सोच रहा हूँ जाके पार्टी वार्टी कर लूँ यार थोड़ा, लेकिन कहते ना इतना ज़्यादा भी खुश मत हो कि नज़र लग जाए किसी की, तो समझ के खुश होना पड़ेगा। फिलहाल इसकी गाड़ी चुराता हूँ मैं, और भाई चलो सॉरी। अरे भाई एक तो गाड़ी चुराया, इसको सॉरी भी बोला ऊपर से कुचला भी, क्या ही बोले उसको। चलो कोई ना, हमारा काम हो गया बस, बाकी वो गया खेल लेने। तो यार चलते अभी जल्दी, हम अपना दूसरा काम करते। आज तो मज़ा आ गया,
तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने गैरेज पे जाता हूँ, गैरेज का रास्ता मार्क कर लेते। हाँ तो पीछे ऐसे घुमा के मेरे को लेना है सीधा सीधा। और ए, बच गया। चलो तो मैं क्या सोच रहा था कि पहले गैरेज पे जाता हूँ, गैरेज पे जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरी वो लाल वाली गाड़ी पुलिस वाले छोड़ के गए कि नहीं गए। मेरी सब गाड़ी लिटरली गायब भी हो रही यार। हाँ यार, गाड़ी से आ गया मैं आज, क्यों ना मैं अपने लिए गाड़ी खरीद लूँ यार, एक नई गाड़ी। अभी पैसे भी मिले हैं तो एक सोच रहा हूँ मस्त अच्छी सी सुपर लुक वाली कार ले लेता हूँ, जो अच्छी दिखने में हो और कम पैसे में मिल जाए मेरे को। अरे सॉरी 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 भाई, ये गाड़ी भी अच्छी स्पीड में भाग रही है यार। ये वाइट कलर की गाड़ी किसकी? वो बंदे की थी, अच्छी स्पीड में भाग रही। अरे आगे से तो वाट लग गई इसकी, बट कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी नहीं है। तो गाइस हमारा गैरेज बस आने वाला है सीधा सीधा, और सीधे से राइट टर्न लेना है, बस हमारा गैरेज आ जाएगा। और ये आ गया हमारा गैरेज। अबे रुक 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 रुक, बहुत ज़्यादा भाई आगे चला गया मैं। तो इधर इस गाड़ी फ़िलहाल खड़ी कर देता हूँ, और मैं उतर के जाके देखता हूँ मेरी ये गैरेज में अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। जल्दी से जाके अंदर चेक करके आता हूँ कि मेरे गैरेज में अभी फ़िलहाल कितनी गाड़ी है, खाली है या भरा हुआ है। मेरे ख्याल से मैं बोल ही रहा था, मेरे ख्याल से खाली रहेगा और खाली ही रहा। तो गाइस अभी मैं यहाँ खड़े खड़े एक अपने लिए गाड़ी ख़रीदने वाला हूँ, बाहर निकलते पहले यहाँ से, और फिर ऑनलाइन ही ख़रीदेंगे, ऑफलाइन नहीं। सब आजकल ऑनलाइन हो गया यार, तो हम भी ऑनलाइन ही करेंगे शॉपिंग, चाहे वो गाड़ी की हो, मोबाइल की हो, या खाने की चीज़ हो। तो वेबसाइट पे जाते हैं और कार लिखते इधर कार। ओके इधर बहुत सारी कार की वेबसाइट आ गई। पिछली बार मैं यहाँ से ख़रीदा था, ये लोग की लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट्स, इन लोग के यहाँ की बाइक लिया था, बट वो भी गुम हो गई। तो अभी हम मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट वाली वेबसाइट से लेता हूँ, साउथन सैन एंड्रीज जाके देखते हैं। ओके तो इन लोग के पास ट्रक वगैरह है, और ये एक गाड़ी है जो कि थोड़ी मॉडिफाइड सुपर कार, इन लोग ने लोग इस पे ग्राफिक डिज़ाइन करा के रखा है। मैं स्कैरो, ओके इतना पैसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। और ये वाली गाड़ी कौन सी है, रैपिड ब्लेड, इसकी भी इतनी ज़्यादा कीमत रखा है, 1,60,000 डॉलर, बाप रे। तो फिलहाल मैं अपने लिए कोई सस्ती और अच्छी सी गाड़ी देख रहा हूँ, 32,000 डॉलर। हाँ ये मैं शायद ले सकता हूँ, बट स्पोर्ट्स कार में देखते। ओके स्पोर्ट्स कार में भी अच्छी अच्छी गाड़ी है यार, ये बेनिफैक्टर सुरानो की है, ये भी अच्छी लग रही है यार। अगर ये हम खरीद पाए तो उसका कलर मैं पहले चूज़ कर लेता हूँ। फुल वाइट रखे क्या? हाँ चलो फुल वाइट रख के ड्राइवर पे, वाइट भी अच्छा लगता है, ठीक है। अंदर का ऐसा ऐसा रहेगा और पीछे से ऐसा रहेगा, अंदर का भी इंटीरियर डिज़ाइन और स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स, ओके सब ठीक है, अच्छा लग रहा है। ब्रेकिंग का सिस्टम इसका आप लोग देख सकते हो कमज़ोर है, और टॉप स्पीड सही है, एक्सेलरेशन भी सही है, ट्रैक्शन भी सही है, बाकी ब्रेकिंग को छोड़ के सब खराब है भाई। ब्रेकिंग ही अच्छा नहीं है, मतलब एक्सीडेंट हो गया तो भाई क्या करेंगे। बट मेरे को ये गाड़ी पसंद आ रही यार, तो मैं सोच रहा हूँ खरीद लेते। वॉच इनसफिशियंट फंड्स, उम्मीद थी मेरे को कि पैसा नहीं है हमारे पास। मेरे दिन ख़राब जा रहे हैं, अभी तक अच्छे जा रहे थे। नहीं पैसे नहीं है तो दिन ख़राब कैसे जा सकते यार, समझ रहे हो। अभी अच्छा गया, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पैसा थोड़ी आ पाएगा। हमने पिछली बार क्योंकि 40,000 डॉलर की एक बाइक ख़रीदा था, उससे हमारा सारा पैसा चला गया। तो इतनी जल्दी मैं 99,000 डॉलर की उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ। तो बाकी सस्ती में मैंने एक गाड़ी देखा था, किधर गई 24,000 डॉलर। नहीं ये तो एकदम लोकल क्लास लग रही है मुझे, और ये सब नहीं। ये कौन सी गाड़ी यार 80,000 डॉलर की, ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं खरीद पाऊँगा, खरीद के देखता हूँ। वाइट कलर बाय नॉट सोल्ड, ओके ये गाड़ी के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हमें कोई ऐसी गाड़ी देखना है लाइक, मेरे को लग रहा है 50,000 डॉलर के आसपास ठीक रही। ये देखूँ क्या, ऊबर मैचर भाई, ऊबर की गाड़ी, वाओ। मतलब अभी यही टैक्सी उक्सी चलाऊँगा मैं, ये टाइम आ गया है। 32,000 डॉलर, वो ये भी अच्छी लग रही है, ब्रेवेडो गॉन्टलेट, ये मेरे ख्याल से मैं खरीद सकता हूँ। चलो एक बार ही लेके देखते, नहीं रेड में ही मेरे को ख्याल से अच्छी लगेगी, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट, मतलब ये वैसी नहीं है ये जैसा रहना चाहिए। तो इसका एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हम लोग अंदर से, ठीक है। टॉप स्पीड पहले वाले से कम है,
एक्सीलरेशन पहले वाले से कम है, ब्रेक पहले वाले के जितने हैं और ट्रैक्शन पहले वाले से कम है, तो ये गाड़ी भी ठीक है चलो। और इंटीरियर वगैरह इतना ख़ास नहीं है, एकदम मतलब देसी वाला फील आ रहा है। ब्रेक व्रेक सब मैनुअल लग रहा है, पहले वाले का थोड़ा मतलब ऑटोमेशन वाला फील आ रहा था, ऑटोमेटिक भी लग रही थी थोड़ी बहुत, लाइक का गियर वगैरह उसका ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते यही लेना पड़ेगा। तो पहले लेके तो देखते यार ये ले पाएंगे कि नहीं, बाय करके देखते। $32,000 लेट्स गो लेट्स बाय। ओके गाइस सो हम लोग ने खरीद लिया, लेट्स गो। तो हमारे पास अभी $36,000 बचे यार, मतलब 60,000 के आसपास थे हमारे पास, 66,000 हाँ इसके आसपास हमारे पास पैसे थे, तो हम एक गाड़ी खरीद सकते थे, बट कोई बात नहीं अब फिलहाल हमने ये वाली गाड़ी ले लिया। तो भाई जल्दी जल्दी ला दो, किधर है? ओके थैंक यू फॉर योर ऑर्डर आपका, हाँ जल्दी पहुँचा दो मेरे गैरेज पे। और ये देखो गाड़ी का हाल क्या ही करा, अभी जो मेरी गाड़ी आएगी उसको देखना आप लोग, मैं कितना संभाल के रखूँगा, बहुत अच्छे से चलाऊँगा। यार मैं सोच रहा हूँ अपना और बाकी के काम कर लूँगा जब तक मेरी गाड़ी आएगी, बट इन लोगों की जो डिलीवरी रहती ना गाइस बहुत फास्ट डिलीवरी रहती है, वो आ जाती है। तो एक बार ही सोच रहा हूँ मैं एम्यूनेशन की शॉप से थोड़ा आ जाता हूँ जब तक सामान लेके, और गन वगैरह लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अभी जब फाइट करने गए तो पता चला था कि हमारे पास कितनी वेपन्स की कमी लग सकती है। तो जब तक मैं एम्यूनेशन के यहाँ कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ। ओके ये आ गए एम्यूनेशन शॉप, और देखते कि कुछ अच्छा मिलेगा तो खरीद लेंगे। लॉक तो नहीं ना भाई? हाँ चलो ठीक है लिए। तो ग्रेनेड वगैरह ले लूँ क्या? मैं सोच रहा हूँ, ओ भाई ये गोली की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ओके वहाँ पे ट्रेनिंग चालू है, तो यहाँ अगर गन टेस्ट करना है तो गन टेस्ट भी कर सकते। तो पहले तो वेपन देखते, हमारे पास वेपन में खाली लंबी लंबी गन है, बड़ी बड़ी मतलब AR वगैरह ये सब गन है, कट्टा वगैरह नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कट्टा वगैरह भी थोड़ा रख लेता हूँ, बंदूक पिस्तौल कट्टा है क्या इसके पास? ओ ये वाला बॉम्ब मेरे ख्याल से बहुत काम का रहता है, ये वाला एक स्टिकी बॉम्ब रख लेते हम लोग, $400 का है ठीक है, हम खरीद सकते हैं और खरीद ले जितना हो सकता है उतना खरीदेंगे। और बैक करो, मेरे को पिस्तल देखना है, पिस्तल में कौन सा है भाई? पिस्तल दिखा यार, अभी ये वाली पिस्तल कौन सी है? अभी एक सेकेंड, ये वाली SNS पिस्तौल, ये क्या काम करती है इसका? तो गाइज ये वाली पिस्तल मुझे ना थोड़ा बहुत एंटिक लग रही है, बट मैं लेके देखूँ क्या? $2,750 की है, $2,750 ठीक है लेके देख लेते यार, थोड़ा एंटिक चीज़ लग रही है, हम एंटिक चीज़ ज़रूर लेंगे। ओके हमने ये पिस्तल खरीद लिए, और इसका मैं एक राउंड ऑल ले लेता हूँ, एक्सटेंडर लगा लेता हूँ। और ये क्या दिखा रहा है? पिच वुड ग्रिप फिनिश, नहीं नहीं उतना पैसा नहीं, 34,000 बाप रे बाप, नहीं 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 करना है, बस बस ठीक है ठीक है। अभी इसको पीछे करो, हाँ ये वाली पिस्तल हो गई। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है शॉटगन, रॉकेट लॉन्चर जो कि कुछ काम का नहीं है, शॉटगन काम की हो सकती है, और ये एक पिस्तल है, पिस्तल भी ऐसे वाले। मेरे को कट्टा चाहिए यार, कट्टा नहीं रखा यार, कट्टा दिखाइयो यार, ये क्या है? पिस्तल है, कॉम्बैट पिस्तल, AP पिस्तल, हैवी पिस्तल, हैवी पिस्तल वो कि यही है क्या कट्टा? मेरे ख्याल से ये नहीं यार, ये नहीं है, छोड़ो यार इसके पास कुछ है नहीं, और हमारे पास अभी पैसे इतने हैं नहीं कि इतनी भारी भारी गन खरीदे। मेरे को एक ग्रेनेड वगैरह भी खरीदने का मन कर रहा है थोड़ा, बट बाद में खरीदेंगे। पिछली बार हम इसके यहाँ से ड्रेस लेके गए थे, ये सब यही ड्रेस अभी जो लटका है यहाँ पे देखो गाइस, ये वाला हमने पहना है, तो इसके पास कुछ नवा ड्रेस भी नहीं आया अभी, तो फिलहाल अभी हमारा काम नहीं है। आप चलो अभी निकलते यार यहाँ से, हमारा यहाँ पे और काम नहीं है, तो जाके देखते अपनी गाड़ी भी आ गई होगी, तो जल्दी से चालू करते हो गाड़ी। बाकी अच्छी लग रही है ये भी, वाइट कलर की गाड़ी, मुझे इतना गाड़ी का नॉलेज ही नहीं है, बट चलाने पर जो फील आता है ना गाइस मैं आप लोगों को बता सकता हूँ ठीक है। अगर मैं इसको ठीक कह रहा हूँ तो मैं तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ कि लाइक स्पोर्ट्स कार रॉयल कार चलाने में मेरी क्या रिएक्शन होगी यार, मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं चलाऊँगा तो मज़ा ही आ जाएगी। तो फिलहाल हम अभी अब गैरेज में जाके देखते कि लोग ने मेरी गाड़ी ला के इधर छोड़े कि नहीं छोड़े, नहीं छोड़े तो भाई अगली बार से लोग के यहाँ से लूँगा ही नहीं मैं।
ओके गाइस, तो ये आ चुकी है हमारी पन्नो रानी। देखो कितनी प्यारी दिख रही है, लाल कलर की हमने मंगाई है और एकदम लाल पेंट है और बीच में लोग ऑरेंज कर दिया है। ठीक है, ऑरेंज अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है, इस पर जा रहा है और कितनी चमक रही है यार। आप लोग खाली सोचो, धूप में मैं निकालूंगा कितनी ओपी दिखेगी। सो गाइस, हमारी फर्स्ट कार आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार ही रुक जाता हूँ, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। आप लोग मेरी गाड़ी देख सकते हो कितनी ओपी दिख रही है यार। हमने बाइक खरीदा था ब्लैक कलर में, बट ये वाला इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने इन्वेस्ट किया है और ये हमें बाइक से भी सस्ते में मिल गई यार, मज़ा आ गया। $30,000 की कार मिल गई, इतनी प्यारी है। और मैं इसको चला के देखने चाहता हूँ, चलाने के लिए मैं इसको बहुत बेतावला हो रहा हूँ यार। लेकिन अभी रात है तो मैं सोच रहा हूँ रात में नहीं चलाऊँ, सुबह में चला के देखो। तो एक बार ही चेक कर लेता हूँ, रात थी ना मेरे ख्याल से। हाँ गाइस, अभी देखो रात है। मैं क्या बोलते हो आप लोग, रात में एक टेस्ट ड्राइव लेके देखूँ? अगर आप लोगों को इसकी टेस्ट ड्राइव चाहिए तो यार मेरे वीडियो पे कमेंट करके आप लोग बताओ। तो हम ये रोड पे जाएंगे और सीधा सीधा हाईवे पड़ेगा, वहाँ पे जाके टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे हम लोग। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो मुझसे बात करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, अभी के लिए इतने ही, तब तक मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।